कहीं ना कहीं बहुत ही बिल्कुल टफ कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को, और जो गैंग है ना स्ट्रॉन्ग है, और ये हमें आगे जाके कंपटीशन देगा तगड़ा। चलो चलो चलो, बस हो गया, बस बस बस, चल चलना स्टार्ट करो, चलना स्टार्ट करो, चल 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 चल, अरे चल, अरे थकना नहीं है, चल 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 चल। काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव टास्क था, ये पूरा ऐसा लगा जैसे युद्ध ही लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत की। बैठ बैठ बैठ, इधर उधर आगे आगे, बैठ बैठ, आई पर आ, भाई जल्दी ये जूता उतार उतार उतार, जा अरे उधर, अरे रामचंद्र रे, काट 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 काट, यू काट यू काट। मैं लेफ्ट साइड देखता हूं तो वो रथ लाइन से आगे लेके नहीं आते हैं, राजवीर और मल्लिका। चल चल आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, अरे आगे मतलब आगे लाइन से आगे। उन्हें आगे का मतलब लगता है पीछे, वो पीछे उल्टा रथ दौड़ा के ले जाते हैं। मैंने धम से आवाज सुनी और मैंने कहा शे, गेट गिर गया है किसी का, ना वो लाइक डब 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 डब। पीयू ने भी उसी टाइम पे गिराया, वो सेम नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। अरे वो क्या ले गए, वो पीछे ले गए यार, ये तो फेयर नहीं है भाई, वो पीछे ले गए, वो फेयर थोड़ी है। वहां से प्रिंस सर की आवाज आती है कि एक फाउल हुआ है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये हुआ क्या। ओके ओके ओके, हो गया पीयू, पी हो गया, दैट्स इट दैट्स इट। राजवीर ने कुरुक्षेत्र में दिखाई शकुनी की चाल, तो बेटा आपको बता देना चाहता हूँ, वो महाभारत था, वहाँ कैमरास नहीं थे, और ये MTV का महाभारत है जिसमें बहुत सारे कैमरास होते हैं भाई, तुम चीक मारोगे ना तो भी कैमरा में आ जाएगा। इट्स ऑल राइट, नो वरीज, आई थिंक दोनों ने बराबर का किया है, दोनों ने बराबर का किया है। मैं काफी ज्यादा होपफुल थी कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ऑल आई वॉज वेटिंग फॉर इज सोनू सूद सर्स वर्ड। सरोडीज कैसा लगा टास्क परफॉर्म करके? बहुत बढ़िया। प्रिंस कैसा लगा आपका गैंग? पहले मैं बोलूंगा मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ तुमसे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि तुम बेटर परफॉर्म करोगे, पर मैं भी देखना चाहता था कि यार जो आपने जो मेरे को अस्त्र दिए हैं वो कैसे काम करेंगे, और ये बहुत ही अमेजिंग है भाई। पर भाई एक बात है कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग वाली टीम थी आप उसको सपोर्ट कर रहे थे पूरा। भाई मैं बताता हूँ क्यों, मैं इससे चाहता था कि वो जीते और ये अच्छा खेले, ठीक है ना, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को भी देखना था कि मेरी टीम में कौन क्या क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, हम भी कहीं वो नहीं है कि हम हर चार फैसला सही ले सकते हैं, बट कभी कभी उसको जब तुम बदल देते हो तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। अगर इस सिचुएशन में मैं नहीं डालता तो तुम शाइन भी ना करते यार। बट सर आपने अज्यूम क्यों किया कि वो 5 स्ट्रॉन्ग है और हम अंडरडॉग? मैं यही बोल रहा हूँ गाइस, जब तक हम आपको इनमें नहीं डालेंगे ना, ना हमें पता होगा कि तुम क्या करने वाले हो, ना तुम्हें पता होगा। जर्नी बहुत बड़ी है यार, पहला दिन है। स्टिल आप हमें अंडरडॉग्स क्यों बुला रहे जबकि हम टास्क जीत चुके हैं? उन लोगों को बुलाओ, या मसल्स फुलाने से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बन जाता तो क्या ही होता। और आपको क्या लग रहा भाई? सर बहुत सही था, हाँ। मैम ने आके एक मंत्र बता दिया था, वो हम लोग ने यूज कर दिया। पूरी दुनिया जानना चाहती है कौन सा मंत्र बताया भैया। मैं एकदम सरल मेली भाषा में बताता हूँ, वो था ऐसे कि हक से पटेल रख के ढकेल। अब जो तूने मंत्र बताया रिया वापस रिपीट करना, क्या मंत्र था? हक से पटेल रख से ढकेल। लड़ो तैयार रहो लेकिन आराम से कंपोज रह के, तो मैंने सिर्फ इतना बोला था लेकिन अमीर रूप ने इसका डायलॉग खुद ही बना लिया। अगले में चलते हैं, अभी गौतम की टीम के पास चलते हैं। मैं बोलूंगा कि ये इन चारों लड़कियों को आपके लिए मैं दिल से ताली मारता हूँ। मैंने वो टीम इसलिए बनाई थी, मैं आप सबकी स्ट्रेंथ चेक करना चाहता था।
और आपका ये सवाल था ना कि वो सारे लड़के हैं स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हुआ, उसके बाद भी आके सर एक लिसन, यू नीड टू काम डाउन। इसके कान पे आएगा, उसके कान पे आएगा, बोला रूपा वीक है, रूपा बोले कुछ नहीं किया। अरे तू किसी के कान पे मत जा। सर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। अच्छा आप बोलो, चलो बोलो। आई थिंक ऑल ऑफ दीज गाइज डिड एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, और मैं जेन्युइनली उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं मान गया हूँ इंक्लूडिंग हर, क्योंकि इन्होंने सबने सर अच्छा करा, बहुत क्लोज था। सर आई केम टू यू एंड आई सेड आई वांट टू टॉक टू 5 मिनट्स। आई सेड आई वांट टू टॉक द सेम थिंग कि मेरे कान में आके बार बार नहीं बोले, अदरवाइज आई वोंट लीव हिम। वीक अभी आ जा, तू अभी आ जा, 1-to-1 देख लेते कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। पहले दिन मुझे कहीं ना कहीं नहीं सही लगा रूपा का इतना बरसना, क्योंकि वो दूसरी टीम को एक सिग्नल देता है कि इनके आपस में यूनिटी नहीं है। मेरे हिसाब से सोनू सर मैं ये बोलूंगा, मेरी टीम ने बहुत सॉलिड किया, मैं इनकी स्ट्रेंथ चेक करना चाहता था, वो मैंने देख लिया कि सब इक्वल्स हैं, सारे के सारे तगड़े हैं लोग। सर मेरे को तो बाकी गैंग पे तरस आ रहा है, अभी गैंग के गैंग में ही ऐसा परफॉर्म किया है तो वो लोग के साथ क्या होगा। भाई पानी पिला इसको, धूप चढ़ गई है। बेटा ये भी पहला टास्क है, अभी रुक तो जा यार। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मुझको। नहीं नहीं ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं सर, बोल के नहीं बोलने का है, करके दिखाने का। बॉस अपने को रिया की टीम का पता चल गया, प्रिंस की टीम का पता चल गया। सर आई वांट टू से समथिंग, मे बी इससे डिसीजन चेंज हो जाए। हाँ मुझे बताओ पहले। सर क्या हुआ था कि ये चारों लोग शायद गुस्सा हो सकते हैं मेरे से इस बात से, बट सर वो भी बोल रहा है, रुक जाए सोच समझ के। I wanna say it, मेरे को ठीक लग रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ सर। Go ahead. सर What happened was, ये सर रथ आगे लेके आए, इन्होंने लाइन के आगे रखा नहीं, मैंने बोला आगे लेके आओ, इनको लगा आगे मतलब पीछे लेके जाना है, तो सर ये लाइन के आगे क्रॉस की ही नहीं सर इन्होंने, लाइन पीछे लेके। मैं एक चीज बात बोलूं, तुझे प्रियंका सीजन याद है, प्रियंका को दिख रहा था और उसने बता दिया था, उसने इज्जत कमाई थी भाई, तू इज्जत कमाएगा सही बोलने पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगा, एंड मैंने जो पॉइंट था वो वहां पे रखा, हमारी टीम से गलती हुई तो हुई, मैं एक्सेप्ट करूंगा उस चीज को। बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ है वैसे कौन जीता है। सर ऑब्वियसली, बट सर मुझे भी इसी बारे में बोलना है कि शो इज करम एंड कांड, बट करम को भी थोड़ा सा जस्टिस मिलता है हमेशा लास्ट में, सो वो बैठे हैं ना करम के लिए। सो गाइस हमारा जो टास्क था वो मास्क तोड़ने का था, और पराक्रम ने तोड़े मास्क, हम सब ने देखा, पर क्या है ना सोनू अस्त्र है, रूल्स फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जब पीयू दरवाजा क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही थी, हाँ, उस समय रथ को पीछे लेकर गए लोग। Exactly. और मैंने पहले ही कहा था कि जब दरवाजा गिरेगा तब नहीं, तब आपको सारथियों को वहीं पे रुक जाना है, और जब ऐसा होता है तो डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और इसलिए पीयू की टीम इज द विनर इन दिस पर्टिकुलर वन। वो जो खुशी थी ना, मतलब वो जो इम्यूनिटी भी मेरे को मिली ना, उसका ज्यादा नहीं था जब मेरे पांचों के पांचों टीममेट्स ने मेरे को हग किया, वो एपिक था। इसीलिए बोलते हैं कर्म इसलिए जरूरी। एग्जैक्टली यहाँ पे हुई कर्म की जीत, और कांड को किया भाई तू चला जा घर, और जीती हमारी आज की नारी सब पे भारी वाली टीम।